हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आदेश शर्मा के वीडियो लेक्चर में। और आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं स्पेशल यूज ऑफ बिगेन टू। बिगेन टू का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने लगा के सेंस में, कोई कार्य शुरू किया इस सेंस में बिगेन टू का प्रयोग करते हैं। और बिगेन टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद बिगेन टू लगाते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जिस तरह से वह अंग्रेजी सीखने लगा, ही बिगेन टू लर्न इंग्लिश। वे कॉलेज जाने लगे, दे बिगेन टू गो टू कॉलेज। वह संस्कृत पढ़ने लगा, ही बिगेन टू स्टडी संस्कृत। बारिश होने लगी, इट बिगेन टू रेन। आई बीन टू से जब कोई कार्य होने लगा, लगा, लगी, लगे के सेंस में बिगेन टू का प्रयोग करते हैं। और बिगेन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देख लेते हैं, वह क्रिकेट खेलने लगा, ही बिगेन टू प्ले क्रिकेट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बिगेन टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वह गीत गाने लगी, शी बिगेन टू सिंग अ सॉन्ग। शी बिगेन टू सिंग अ सॉन्ग। वे अंग्रेजी सीखने लगे, दे बिगेन टू लर्न इंग्लिश। दे बिगेन टू लर्न इंग्लिश। शिक्षक ने पढ़ाना शुरू कर दिया, The teacher began to teach। यानी कोई कार्य शुरू हो गया, जरूरी नहीं है कि वाक्य के आखिर में लगा, लगे, लगी आएगा। शिक्षक ने पढ़ाना शुरू कर दिया यानी कार्य शुरू हो गया, या ये भी कह सकते हैं शिक्षक पढ़ाने लगा, सेंस वही है। बारिश होने लगी, इट बिगेन टू रेन। तो डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल इंग्लिश की जानकारी के लिए या इंग्लिश में किसी भी प्रॉब्लम के लिए, स्कूल कोर्स के लिए, ग्रामर, ट्रांसलेशन, लिटरेचर या कॉम्पिटेटिव इंग्लिश के लिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे।